रोचक बनाने वाले इतिहास के द्वंद को अपने ह्यूमर, अपनी जानकारी के दौरान सही ढंग से समझाने वाले, इतिहास के अंतर विरोधों के लिए हमारे अंदर दृष्टि पैदा करने वाले दृष्टा शिक्षक अवध ओझा। भैया में भैया। अबे मुन्ना नहीं अवध बोलना। भैया में भैया, थोड़ा जोर से बोलना होगा। लाल फूल नीला फूल, लाल फूल नीला फूल। अभी गुट गो, मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अवध ओझा सर से बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सिद्धांत मोहन को। उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए थोड़ी। हेलो हेलो, आवाज खोल दो यार, बढ़िया। अवध जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। कितने लोगों ने अवध जी वाला गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड देखा? चार बार। क्या करते हो दोस्त? अच्छा ठीक है, तो गेस्ट इन द न्यूज रूम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, उन बातों पे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों के सवाल होंगे, मेरे भी कुछ सवाल होंगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी है। जैसे सवाल ये भी होंगे कि लादेन के बारे में क्या बातचीत होती है। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। हेलो। हाँ सर, थोड़ा शुरुआत से बताइए अपने बारे में, कैसे पढ़ाई, मतलब मैं दोबारा सुनूंगा इसको, न्यूज रूम वाले एपिसोड में मैंने सुना था सामने से शायद। नहीं, मैं एक बहुत ही सीधा सज्जन स्टूडेंट रहा। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे पोस्ट ऑफिस में, तो हमारा गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, तो हम उस पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में रहते थे। और हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, ये बात बहुत माने रखती है कि आप किसके घर से हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी जीवन में गौर की, उसमें से ये भी थी कि आपके टीचर भी इसका बड़ा वो रखते थे कि आपके पापा क्या करते हैं। से हमारे एक पीटीआई थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो हमें क्रिकेट की टीम में कभी एक्स्ट्रा में रखते थे, एक्स्ट्रा में। तो मैं उनसे कहता था, सर कहीं तो खिलवा दो। अरे बैठो चुपचाप, तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, हमने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर। लेकिन उनका लड़का पकड़ा है। आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। हर आदमी की, जैसे अभी सौरभ भाई तुमसे कुछ बोल रहे थे, जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, ये शिक्षक की एक गरिमा है, शिक्षक तुमको धमकी नहीं दे सकता, भाई तुमने क्लास में बदतमीजी की, अब हम तुमसे ये नहीं कह सकते आओ बाहर। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अपनी भावना को हमेशा संयमित रखना चाहिए। लेकिन अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। भैया 80 गाली दे लो, 85 दे लो, नहीं मन तुम्हारा कर रहा 98, रुक जाओ, हम रोक रहे हैं, तुम रुक ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप कभी बैट बॉल पकड़े? तो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा यार ये मास्टर बाबा बहुत परेशान किए हैं। और मैच कानपुर में था,
मजेदार बात ये थी, जिसको जिसको सौरभ ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं सौरभ भाई उसको ब्रह्मांड का केंद्र, तो हमने कहा आज अगर नहीं ना खिलाई तो आप, हम खेल अब तो कहें मास्टर एक काम करो भाई, हम कहें कहा कहीं ने कहा यूरिया का बोरा उड़ा है दो और तीन चार बैट, उनको पता चल गया था बाद में कि ये सब कांड कौन किया है, लेकिन तो क्या हुआ जब पता चला तब क्या हुआ, पता उनको ये थोड़ी पता था कि वो कहते थे हम मुझे पता है ये किसने किया, मैंने आप गुरु है हमारे सर, हम कैसे देखा सर हमें शर्म आ रही कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे फिर उन्होंने मुझे खिलाया मैच, ये तो बात की कहानी, पहले की कहानी ये है कि मैं अब चूंकि एक सामान्य घर से था तो सामान्य घर में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग हमें हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं देखो बदमाशी नगी हो तो हर बाप विधायक नहीं है, तो हमने सोचा ये बात हमारे बच्चों को ना कहना पड़े कि तुम्हार बाप विधायक नहीं है, करो बदमाशी जितना करना है। मेरी लड़की का एडमिशन हुआ अभी एक स्कूल में, तो वहाँ 60% से जिसका कम होता है उसको वो फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते, हर साल ट्रिप पे ले आते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल, तो जिसका 60% से कम होता है वो उसको फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते। तो कल हमसे बोली गई पापा हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम कहे क्यों, कहीं हमारा 60 कभी आएगा नहीं, हमने कहा चलो ठीक है कॉपी चेंज करवा देंगे। अच्छा आप यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे सीबीएसई से? सीबीएसई से, सीबीएसई से। तो आदमी को एक अच्छा रहना चाहिए, अपना एक अच्छा आदर्श बनाना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज का जो समय है उसमें कृष्ण से अच्छा आदर्श कोई नहीं, कोई तुमको इतना प्यार करे उसको इतना करो, कोई तुमको इतना सम्मान दे उसको असीमित दो। तुम अगर कृष्ण का कैरेक्टर देखो तो वो आज के समय का सबसे अच्छे कैरेक्टर है, वो हर सवाल का जवाब उनके पास है, लेकिन और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, कि जैसे आज तुम यहां खड़े सुन रहे हो, बैठे सुन रहे हो, कल तुमको भी लोग सुने, हम भी कभी वहीं बैठे रहे होंगे, हम भी लोगों से मिलने गए होंगे, तो अब ये जो शक्ति की अवधारणा है ना इसको अपने दिल में बिठाओ और उस पर काम करो। जैसे किसी ने अभी कहा मैंने चार बार मेरा एपिसोड देखा, अच्छा किया चार बार देखा, उससे सीखा क्या तुमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जैसे मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई ऐसे तुम भी करो, और दुनिया में किसी को नाज हो ना हो तुम्हारे माँ बाप को तुम पे नाज होना चाहिए। मतलब मैं समझता था कि इतना स्वच्छंद होना यूपी बोर्ड में ही होता है, लेकिन आपने सीबीएसई वालों के लिए मेरी जो अवधारणा थी उसको तोड़ा है। अच्छा कितना व्यस्त रहते थे क्लासरूम के बाहर आप जब स्कूल में थे, मतलब दोस्तों वोस्तों के साथ अड़ी पे यार लौंडे बुलाने पड़ेंगे उस वाले मोड में कितना रहे आप? नहीं मेरी अटेंडेंस 39% थी सर तो मेरा फादर प्रिंसिपल थे मिस्टर गोविया, सब तो वो रहे नहीं क्लास 12th में, तो वो आए क्लास में बोले मिस्टर रोजा कहता जी सर, बोले यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोले तुमको बोर्ड की परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। मैंने गुरुजी बहुत अच्छा है फेल हो जाते बेइज्जती होती, तो हम कम से कम बहाना तो बनाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने कहा गुरुजी एक बात और सुन लो, यूपी बोर्ड से भी भरे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैंने कहा सर ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे, ये तो वो करेगा, अगर स्कूल सब कुछ डिसाइड करता तो लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस स्कूल से पढ़े हैं, देश के सर्वोच्चतम सत्ता में है, ये तो कोई और ही डिसाइड करेगा ना। खैर बाय द वे 39% से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना स्कूल रहता रहूंगा, लेकिन एक घटना और घटी, अटेंडेंस रजिस्टर ही गायब हो गया
उसका भी पता नहीं चल पाया होगा किसने किया। हाँ उसका पता नहीं चल पाया, मैंने बहुत बाद में जाके गिफ्ट किया उनको क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन एक बात याद रखो, जिससे भी सीखो उससे उसकी पॉजिटिव बातें सीखो। ये मैं इसलिए तुम्हें सुनाता हूँ कि तुम लोगों में से बहुत लोग मेरे पास आते हो, कहते हो हमने कभी पढ़ाई नहीं की। अच्छा किया, अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में, अब टॉप करो ना आईएएस में, अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। ये मेरी बात सुनो, अगर तुम नर्सरी में नहीं टॉप किए कोई बात नहीं, क्या मिलता नर्सरी में टॉप कर लेते, क्या मिलता, एक पेन बॉक्स मिलता। स्कूल वाले यही तो देते थे, पेंसिल का एक बॉक्स देते थे, बड़ा फीलिंग होता था नोबेल प्राइज जैसी कोई चीज मिल रही। अब लाओ ना फर्स्ट रैंक, अब सही समय है फर्स्ट रैंक लाने का, अब सही समय है टॉप करने का। इस समय को इस्तेमाल करो, अपनी यूथ को इस्तेमाल करो। अच्छा वह सर, ये एक मेरी जिज्ञासा भी थी कि घरों में नंबरों का बड़ा दबाव है, आप नर्सरी में खराब नंबर ला रहे हो, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तक खराब नंबर ला रहे हो, और एक आप एक ब्रांड बन रहे हो, फिर अपने घर में ही आपकी एक ब्रांडिंग हो रही है कि आप एक सफल स्टूडेंट नहीं हो, और आखिर में आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा पापा के, या ठेका उठाना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी का अगर इलाके का माफिया उठाने दे तो, या रेलवे का ठेका उठाना पड़ेगा अगर उधर के विधायक इन्वॉल्व ना हो तो। काम अपने मन का जो करना चाह रहे थे, जो तुम बचपन में सपना देखे थे, जो मम्मी पापा से हंस के कहते थे कि डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, वो ईंट और गिट्टी के भाव में दब जा रहा है। नहीं, मुझे एक उम्र के बाद ही पता चलता है कि जीवन में गोल किसे कहते हैं। नर्सरी में किसी को नहीं पता होता, हमारे पेरेंट्स बहुत सारे बेचारे नहीं जान पाते, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि समाज एक रास्ते पे चलता है। या तुम अपने में देखो, आपस में देखो, अगर तुम्हारे में से किसी का एसएससी में सिलेक्शन हो गया, बैंक में हो गया, तो तुम्हारे पिता माता पिता कितने प्रेशर में आते हैं, देखो तुम्हारे लड़के का हो गया। हमारे समाज का एक ढर्रा है, एक पैटर्न है। हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बड़ी इज्जत है, बचपन से हमें बताया जाता है कि भैया आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नौकरी करना है। अब कौन आदमी क्या बनने को पैदा हुआ है ये तो बाद में अब तुम अपना गोल बना सकते हो, ये राइट टाइम है तुम्हें गोल बनाने का। तो हमारे परिवार में आमतौर पर, और ये मॉडर्न एजुकेशन से जब शुरू हुई बात अंग्रेजों से, तभी से ये बुराई पनपी। भारत तो महान लोगों का देश है ना, जो तुम पुराणों में पढ़ते हो, महाभारत में पढ़ते हो, वो सही था, वो सारे लोग थे इस देश में, ऐसी इस देश की एजुकेशन पॉलिसी थी। क्योंकि एजुकेशन का काम सिर्फ नंबर लाना नहीं है। अभी मैं आप में से कह दूं, किसी को बुला लूं कि आओ यहां से बोलो, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, कमेंट में आके सब लिखते हैं। हाँ, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। आपको अगर मैं कह दूं क्या, तो एजुकेशन ने आपको नंबर तो दिलवा दिए, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। और जीवन नंबर पर नहीं चलते, कॉन्फिडेंस पर चलते हैं, डेयरनेस पे चलते हैं, एंथुजियाज्म पे चलता है। कितना ट्रोल करते लोग मुझको, नीचे कमेंट लिखते हैं तुमको इंडिया में नहीं रहने देंगे। अच्छा, इंडिया में नहीं रहने दोगे, ठीक है पाकिस्तान चले जाएंगे। हम जानते हैं तुम पाकिस्तान ही तो जाना चाहते हो। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा सपना है कि दोनों देश को एक कर दिया जाए। तो एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के साथ साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो पर्सनालिटी, तुम उस पर भी काम किया करो। ये प्रिलिम्स, ये मेंस, ये इंटरव्यू, यहां पे तुम प्रेशर में ही आके तो ज्यादातर लोग फेल होते हो। मैंने कितने स्टूडेंटों को देखा जो प्रीलिम्स के दिन इंपेशेंट हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है किसी, मैंने तो एक आदमी को देखा, एक लड़का बहुत अच्छा, मतलब उसकी उसको आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन है कि अच्छे अच्छे टीचरों को वो ध्वस्त कर दे क्लास में, इतना नॉलेजेबल लड़का है। लेकिन अभी उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, 5 अटेम्प्ट दिया उसने,
क्योंकि जब वो एग्जाम देने आता है तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है। दंगल का एक थीम सॉन्ग है, दंगल मूवी है ना, उसका एक थीम सॉन्ग है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। तुमने वो गाना सुना होगा, उससे सीखा नहीं। तुम अगर अपने जीवन में बैकफ्लैश में जाओ तो माँ बाप ने क्या कहा था कि टेंथ पढ़ लो भैया कायदे से, बस तुमने पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा भैया ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद भैया कोई पढ़ाई नहीं। तुमने फिर पढ़ लिया, फिर उन्होंने कहा आईआईटी निकाल लो भैया, बस जिंदगी में ऐश। तुमने आईआईटी निकाल लिया, अब कह रहे आईएएस नहीं बने तो कुछ बने ही नहीं। फिर तुम आईएएस बन जाओगे, फिर वो तुम्हारे यहाँ का विधायक तुम्हारे ऑफिस में आएगा ऐसे गमछा वमछा डाल के कि यार, और तुमको उसका बैकग्राउंड पता होगा कि ये तभी तो मैं तुम लोगों से कहता हूं पढ़ो, एक सोशल आइडेंटिटी पैदा करो और 10 साल में इस देश के पार्लियामेंट को कब्जा कर लो। अवध जी, घर में तुड़ैया उड़ैया हुई आपकी, मतलब बहुत बहुत। किसने, मम्मी ने पापा ने? पिताजी तो, माता जी को एक बार घर से निकाल दिए, कहे मम्मी ने पापा को घर से निकाला। हाँ अच्छा, कहे हमारे लड़के को मत मारना, तुम जाओ। उनका कहना था पढ़ो, जैसे आम पेरेंट्स होते हैं। हमारे घर में तो माँ बाप के बीच डाइवोर्स की नौबत आ गई, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि पिताजी कहते थे हमारे लड़के को मत मानना। एक बार क्या हुआ पता, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती जीवन में। इतना भी नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को, मेरे पापा कुछ ज्यादा ही हैं। वो एक ऐसा रिस्क खेल रहे थे, सटीक बैठ गया, फेल भी हो सकता था। तो स्कूल में एक शराब की बोतल पकड़ गई आपके बैग से ना, स्कूल में। हाँ मेरे समय, हाँ तो स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवध ओझा। मैं जब उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने गया, मैंने कहा फादर मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बोला विच कैरेक्टर? तो सही बोल रहा था भाई, 500 अपोलॉजी लेटर आप लिख चुके हो, हर बार आप लिखते हो आई विल नॉट डू, आई एम सॉरी। तो उसने बुलवाया मुझे, बोला यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल? नो फादर। बॉटल सामने रहा, यस जी आई हैव सीन इट एंड यू हैव ब्रॉट, आई नो इट, तुम लेकर आयो। मैं देखा उसको बहुत गौर से, फिर मैं क्लास में गया भाग के, फिर मैं अपना बैग लेके प्रिंसिपल के पास आया, कहने का फादर माय बॉटल इज इन माय बैग। तो उसने मुझसे कहा कि यू कॉल योर फादर टुमारो। मेरे पापा आए। अच्छा, वो आपकी बोतल वो बोतल अलग अलग थी। हाँ, तो मेरे पापा आए तो बैठे थे प्रिंसिपल के सामने। हाँ बोले हाँ हाँ बताइए मास्टर साहब। कहे आपका लड़का खत्म है ये? कहे अच्छा, अबे तुम खत्म हो? कहे शराब स्कूल लेकर आता है। बोले बहुत गलत बात है, घर में पीना चाहिए ना। अच्छा सुनो, लेकिन ऐसा मेरे फादर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जीवन में, रिस्क है वो तो हमेशा कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान मेरा बुरा नहीं करेगा। वो शायद उनका एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने ऐसा। लेकिन मेरी माँ को, अब फादर तो परेशान समझ गया कि ये किसी और को लेकर आया है, पापा तो ऐसे ना कहेंगे, वो भी ईस्टर्न यूपी के पापा। अच्छा, जो लड़के करते हैं किसी और को बाप बना के, हाँ, बाप बना के लेके चले गए। तो उसने कहा नो नो, मेरे एक सीनियर बैठे थे बाहर ऑफिस में, तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि फादर यू हैव कॉल्ड रॉन्ग पर्सन, यही तो बर्बाद कर रहे हैं इस आदमी को, आप ऐसा करो आप इसकी माँ को बुलाओ। दूसरे दिन माता जी आई, उसने माता जी से कहा, माता जी तो खड़ी हो गई तुरंत कि तुम कुछ ना करोगे, और चप्पल निकाल के वहीं 10-20 मार दिया। तब मैंने उसके चेहरे पे एक मुस्कान देखी कि हाँ अब सही है। लेकिन हमारे माँ बाप चूंकि हमें बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हमें बुरे लगते हैं। दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हें बनाना चाहता है, वो है तुम्हारे माँ बाप। कभी कभी हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, वो ना समझ पा रहे हो, लेकिन मेरी माँ गलत नहीं थी।
वो गलत नहीं थी, वो मुझे बनाना चाहती थी। मेरे फादर का अपना सोचना था, उनकी एक फिलॉसफी है कि तुमको संसार बर्बाद करेगा, तुम में से जो लोग सिगरेट पीते होंगे किसी को घर वालों ने नहीं सिखाया होगा, बाहर वालों ने ही सिखाया होगा, राजपूत ले जाओ अंदर, तुम अगर तंबाकू खाते होगे तो किसी बाहरी ने ही सिखाया होगा तुमको कि बीवीसी बुद्धिवर्धक चूरन। तो मेरे पिताजी का ये मानना था कि दुनिया तुम्हें बर्बाद करेगी, हम ही कर देते हैं। तो दुनिया का वो ऑप्शन ही छीन लिया, जो दुनिया का ऑप्शन है तुम्हें उलझाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें भटकाने का। इसलिए अपने माँ बाप से जब भी कुछ करना, चाहे वो तुम्हें जितना मारे, उनको बताना जरूर, क्योंकि उनके पास एक धन है अनुभव का, वो तुमको तुमसे उसको बांटेंगे। माँ बाप की सुनना, देख रहा हूं 35-36 टुकड़ा हो गया। माँ बाप की सुनना, माँ बाप से बात करना, उनके अनुभव का फायदा उठाना, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, अनुभव। आप आफताब और श्रद्धा वाले केस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, तो ऐसे ही। कितना मजा आ रहा ना, शराब और सिगरेट की बात हो रही है तुम लोग को, तो ना नुकसान करता है, मत सेवन करो। मैं मंच से इसलिए बोल दे रहा हूं कि ये जरूरी भी होता है बोलना। अच्छा अवध जी, ये बताइए कि ऐसा ही एक किस्सा है कि आपके पास से माचिस की डिब्बी बरामद हुई थी और वहाँ पे आपकी क्लास लगी थी, माचिस की डिब्बी बरामद हुई इस वजह से नहीं, कोई और रीज़न था? अभी मेरी सर से मुलाकात भी हुई, मेरे जिन्होंने तुड़वाया था। हाँ अच्छा, अभी जस्ट हुई, कानपुर में शादी थी उनके हाँ। लड़के की, तो उन्होंने मुझे बुलाया था अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात। तो मेरे कई टीचर ऐसे थे जो मुझे बचपन से मानते बहुत, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स, वो बहुत मानते। जैसे उसमें से एक सर है हमारे अभी भी है, मिस्टर सीबी सिंह, चंद्रभूषण सिंह, आर्मी के आदमी थे, टीचर बन के आए, और वो आदमी हमको इतना मानता था, पता नहीं क्यों हमसे कहते थे तुम ही कुछ करोगे जिंदगी में, पता नहीं क्या देखते थे वो मेरे अंदर। तो सीबी सर और सिद्दीकी सर दोनों दोस्त थे, एक आदमी मैथ्स पढ़ाता था, एक ज्योग्राफी पढ़ाते थे, और दोनों साथ में रहते थे। उनकी दोस्ती एक मिसाल है, आज भी हिंदू मुस्लिम जो दोस्ती देखी जाती है, उन दोनों की दोस्ती एक मिसाल है। साथ में नौकरी छोड़ा, मतलब एक आदमी को वार्निंग मिली, दोनों ने साथ में नौकरी छोड़ दिया, मन को उनका यह प्रण था कि हम जीवन भर साथ में रहेंगे। साथ में शादी की, अलग अलग। तो उन्होंने, सिद्दीकी सर थोड़ा सा कभी कभी स्मोक कर लेते, तो हमसे पूछे एक दिन, कहे कि अवध, हमने कहा जी सर, बोले माचिस है, मैंने कहा हाँ सर, बोले हाँ दिए, कहे माचिस लेके क्यों घूम रहे हो, मैंने कहा सर घर में खत्म हो गई थी तो मम्मी ने मंगाया था। इतना बोले तब तक लगा एक खींच के, बाल पकड़ लिए, बोले काहे मारे, ये नहीं पूछोगे हमके काहे, कहे झूठ बोल रहे हो, झूठ, माचिस खुली हुई है और सिर्फ 7-8 तीली है। तो एक बात उन्होंने कही मुझसे, बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा एक बात मेरी सीख के जाना, झूठ जब बोलना जब पकड़े जाने की संभावना ही ना हो। अगर तुम झूठ बोले और पकड़ गए तो संसद भवन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा नहीं। ये घटना थी। फेल भी हुए थे एक आध बार? फेल हुए थे एक बार, संस्कृत वाला ना, संस्कृत में, हाँ एक बार संस्कृत में फेल हुए, क्लास 8 में, उसमें भी बहुत मार खाए, कक्षा 8 में फेल, क्लास 8 में थे, कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो फेल हो गए। तो हम घर पहुंचे तो माता जी ने पूछा कि कैसा है रिजल्ट, हमने कहा 13 लोग फेल हुए। अच्छा रिजल्ट बताने के पहले ये बताया आपने? हाँ, कहीं अबे 13 की नहीं, तुम्हारा क्या रहा, हमने कहा संस्कृत में हम भी फेल। बहुत मारा, नचा नचा के मारा, और बोली इसलिए मार रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों को देख रहे हो जो फेलियर हैं,
बाकी पास भी तो हुए होंगे, तुमको उनको देखना चाहिए था। और ट्वेल्थ में कंपार्टमेंट आई थी, कंपार्टमेंट आ गई थी केमिस्ट्री में। अच्छा, कुछ था मैटर। लेकिन अब तुम मुझसे पूछो कहीं से भी कॉन्सेप्ट, तो शायद ही मेरा भूलता हो। मैंने एक शौक बनाया जीवन में पढ़ने का, और वो भी टीचरों की वजह से। टीचर हमें इलाहाबाद पहुंचे, एक टीचर मिला एम्पति, बॉटनी पढ़ाते थे सचदेव कृष्णा कोचिंग में। क्या पढ़ाते थे वो, मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, उस आदमी ने उस इंटरेस्ट की धार दिया। वहां पे एक कॉलेज है इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, उसके टीचर थे बॉटनी के, वो पढ़ाते थे। फिर एच एस उपाध्याय सर थे। फिर इन लोगों से मुझे ये पता चला कि यार एजुकेशन का काम क्या है। एजुकेशन तुम्हें आईएएस सोचते हो, आईएएस से लेकर भगवान तक बना सकता है, इतनी पावर है एजुकेशन में। इसीलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानता हूं, बहुत। मतलब तुम, मैं जहां भी बोलूंगा एक बार मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम लूंगा ही लूंगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि दुनिया में जितने भी सप्रेस्ड लोग हैं, सप्रेस्ड, वो आदमी जातिवादी नहीं है। और अंबेडकर जी को आप किसी जाति में ब्रांड नहीं कर सकते। वो आदमी हर उस आदमी के लिए सहारा है जो इस जीवन में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और उनकी एक लाइन है जो मेरे जेहन से शायद ही, और उनसे कभी नफरत मत करना, प्यार कर लो लेकिन प्यार भी जागृत वाला करना, उनसे कुछ सीखो। उनकी लाइन है ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज जो तुम ये देख रहे हो, ये सिगरेट की वजह से नहीं है, ये शराब की वजह से नहीं है, ये शिक्षा की वजह से है। वाह, इसीलिए हमारे देश में जब किताबें पैर से लग जाती थीं तो उनको उठा के मत्थे पे लगाते थे। तब तो मैं नहीं समझ पाया कि सरस्वती माँ क्यों इन्हें माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं अरे सरस्वती की पूजा, हमारी आदत है भारतीयों की, देवता मतलब जो दे, तो जिससे भी हमें कुछ मिला हमने उसे देवता मान लिया, हमने पेड़ को देवता मान लिया। कोरोना के टाइम पता चला ना इनकी कीमत क्या है। ऐसे किताब चूंकि भगवान बनाने की क्षमता रखती है तो हमने उसे भगवान मान लिया, सरस्वती। और जितने भी हिंदू भगवान हैं सब कमल पर आसीन हैं, क्योंकि कमल का एक पार्ट कीचड़ में होता है। तो भले ही तुम आज तुम्हारे पास कोई उपलब्धि ना हो, तुम दुनिया में बहुत लोअर लेवल पे हो, लेकिन अगर तुमने किताबों को गले लगा लिया तो तुमको भगवान बना देंगे। ये तुम मुझसे सीख के जाओ, ये सबसे बड़ी चीज है। अवध जी, आप इधर भी इसको पढ़ा, जब रेगुलरली क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो तैयारी वगैरह पढ़ते खुद भी होंगे ही, क्या रहता है सर शेड्यूल, क्या रहता है? ये मेरी जिज्ञासा का भी सवाल है, जब भी किसी शिक्षक से मिलता हूँ, लेखक से मिलता हूँ, तो ये पूछने का ज़रूर मन होता है कि आपके पढ़ने लिखने सीखने और इन सब के आसपास आपकी दिनचर्या कैसी है, क्या है? नहीं, मेरा दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा ध्यान और योग में जाता है, क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। किताब हम पढ़ ही नहीं पाते अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होता। तुम दुनिया में जो भी करते हो वो अपने दिमाग से करते हो, जो भी तुम पढ़ने बैठे, तुम्हारे दिमाग ने एक पॉइंट तुम्हारे पास फेंक दिया, एक विचार फेंक दिया कि पापा को हाई बीपी रहती है, अनस्टेबल हो गया ना। तुम इस दुनिया में किसी से परेशान नहीं हो, अगर तुम बहुत गौर करके देखो तो तुम खुद से परेशान हो। तुम में से बहुत सारे लोग 6 घंटा बैठ के पढ़ना चाहते होंगे पर तुम बैठ नहीं पाते हो अपनी वजह से। कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, कोई। तो मेरे दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा ध्यान और योग में जाता है, लगभग 3 घंटे रोजाना, डेली। पढ़ाई आजकल तो मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, न्यूज़पेपर लेकिन मैं फिर भी उठा लेता हूं, पर आजकल मेरी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है न्यूज़पेपर। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि मैं जब ट्रैवल करूं तब ज्यादा पढ़ लूं।
तब ज्यादा पढ़ लूं, लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं ध्यान और योग किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी कीमत पे करना ही करना है, क्योंकि मन की शक्ति के बिना तुम जिस तैयारी में जाना चाहते हो, कंपटीशन मतलब युद्ध, एकेडमिक्स नहीं, कंपटीशन, लड़ाई, लड़ाई में किसकी जरूरत होती है, साहस की। तुम्हें राजेंद्र नगर में एक से एक लड़के मिल जाएंगे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें मुखर्जी नगर में एक से एक लड़के मिल जाएंगे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तुम तो तुरंत डिमोरलाइज हो जाओगे, और तुम उनसे कुछ बातें करोगे वो तुम्हें हर बात का आंसर देंगे, तुम देखोगे कि पॉलिटी पर भी उनका कमांड है, ज्योग्राफी पर भी उनका कमांड है, तुम्हें लगेगा यार इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, लेकिन यहीं पे तुम्हारा दिमाग आके सामने खड़ा हो जाएगा कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। विचार, मेरा सुबह सुबह स्पेक्स मिल नहीं रहा था, एक काफी कॉस्टली है, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया। कितने का? तो उसने कहा लगा के जाओ, लल्लन टॉप पे जा रहा हो, लगना चाहिए। तो मैंने वो चश्मा मिल नहीं रहा था, तो बोली कि अरे चश्मा नहीं मिल रहा, मैंने जाने दे, बोलने जा रहे हैं उसमें चश्मे के बारे में सोचे। जितनी चीजों को तुम दोबारा जीवन में ला सकते हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, जितनी चीजें तुम दोबारा जीवन में ला सकते हो ला, तुम समय नहीं ला सकते, समय को सोचो। तुम इतना बढ़िया समय चल रहा है तुम्हारा, इतना बढ़िया समय, ये समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा लेवल, इस समय को तुम अगर यूज कर लो ना, और हम सुपर पावर कैसे बनेंगे, तुम्हारी वजह से इस देश को तुम ही सुपर पावर बनाओगे, द यूथ ऑफ इंडिया। लेकिन सुपर पावर वो तब बनेगा जब तुम सुपर पावर बनोगे। सैमुराइज, 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1867 में उसको पता चला कि हम गुलाम क्यों हैं, 1894 में एशियन पावर, 95 में चाइना को मार दिया एक हाथ घुमा के, जापान, ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, कोरिया पे कब्जा हमारा है। सोचो जो कंट्री 1853 में गुलाम था उसने 1895 में चाइना से कोरिया को छीन लिया, 1905 रशिया को लगा दिया, बोला मंचूरिया पे हमारा दबदबा रहेगा, 1905 ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, अमेरिका कहता है वर्ल्ड पावर, 1905, 1910 जापान कहता है कोरिया हमारा है, 1919 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, 21 पॉइंट प्रोग्राम बाय जापान, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जापान कहता है कि चाइना पर हमारा कब्जा रहेगा, अमेरिका ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी पैदा हो गए चाइना पे कब्जा करोगे, अरे बोला है जापान चाइना हमारा है, पर जब यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब एक तरफ, जापान अकेले था, वेट किया उसने। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया, मौके का इंतजार करो, 1929 ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका कोलैप्स, अमेरिका के इंटू चिंटू विंटू ये सब जो नाटो में है ये सब भी कोलैप्स। फिर 1931 में जापान कहता है कि चाइना विल बी अंडर द मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ जापान, अमेरिका ने कहा ऐसा नहीं, बोले ऐसा ही है। इधर जापान उठना शुरू किया एशिया में, उधर यूरोप में राहु और केतु पैदा हो गए, हिटलर और मुसोलिनी। जापान की हिम्मत और बढ़ी कि बेटा यूरोप से बाहर निकलोगे तो यूरोप तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, और अगर नहीं निकलोगे तो एशिया तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। पर जापान से एक बात और सीखनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, पर्ल हार्बर। लेकिन ऐसा जापान क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कहानी है? सैमुराई, सबसे ज्यादा बुद्ध को मानते हैं वो जापानीज, सबसे ज्यादा बुद्ध को मानते हैं। ध्यान, ध्यान मतलब इस मन को देखना, ये नहीं लेटे हुए 3 घंटा क्या कर रहे हो, 100 आसन में लेटे हराम खोरी कर रहे हो,
जब तुम पढ़ने बैठे और ये तुम्हें राय दे रहा है, विचार फेंक रहा है, उसी विचार को उस वक्त तुम्हें पकड़ लेना है। कह रहा है कब चाय पी लेते हैं, बहुत ऐसी जगह है जहां तुम्हें चाय नहीं याद आती, पढ़ाई में ही क्यों याद आती है, बहुत सारी जगह जहां पे लोग चाय नहीं सोचते कि भैया 3 घंटे से बैठे हैं थोड़ा मन फ्रेश कर ले। यहां बहुत सारे गार्डन है दिल्ली में जहां लोग सुबह से बैठे रहते हैं, उनसे कह लो भैया चाय पियोगे, नहीं नहीं भाई नहीं, मन हो सकता है तुम्हारा थोड़ा, नहीं नहीं भैया फ्रेश है। तो तुम मन के इस नेचर को पकड़ते क्यों नहीं कि कहीं पर तो वो तुम्हें फ्रेश होने के लिए नहीं कहता, और जहां तुम्हारा जीवन का मामला है वहां तुमको 10 मिनट बाद कहता है कि यार चाय पी लो, बदतमीजी कर रहा है ना तुम्हारे साथ। तो जब तुम्हारा ही मन तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है तो दूसरों को क्या कहना, जो तुम्हारा है, तुम्हारा जिस पे तुम्हारा कमांड है, तुम्हारा मन, तो पढ़ाई आजकल ज्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। जैसे कल भी मैंने किताब खरीदी अकबरनामा, अच्छा अकबरनामा, उसके कुछ पोर्शन कभी गौर से पढ़ा नहीं था तो उसको पढ़ना था। तो चूंकि अभी मुझसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हमसे लोग कह रहे हैं इलेक्शन लड़ जाओ पैसा दे दो, 500 करोड़ रुपए दे दो लड़ जाए। लड़ेंगे कि नहीं? नहीं नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। अब कोई ले आके राज्यसभा में बैठा दे तो वो बात अलग। जब भी तुम किसी चीज के पीक पे पहुंचते हो तो तुम्हें प्रकृति एक बार भटकाने की कोशिश करती है। आज मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो उसकी बेसिक्स है वो मुझे पता है, तो अब अगर मैं इस फील्ड को छोड़ दूं, अब वो टाइम है जब इस फील्ड में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। इसलिए मैंने उस पिछली बार गेस्ट रूम में कहा था कि मैं स्कूल चलाना चाहता हूं। जिस प्रोफेशन ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार, इतना सम्मान, एक मुद्दे पे मुझे ट्रोल किया जा रहा था, बिहार से 20 लड़के आए थे, एक मुद्दे पे मुझे धमकी दिया जा रहा था, बिहार से 20 लड़के आए थे, 20, कह सर आपके साथ रहेंगे परमानेंट, क्योंकि मैं क्लास जाता था बिहार से, ना वो मेरे दोस्त ना रिश्तेदार, 20 का पूरा एक ग्रुप आया था कि लड़ेंगे गुरुजी। फिर मैंने कहा तुम लोग जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुम आए, लेकिन तुम लोग जाओ, अभी हमको लड़ने दो, जिस किसी दिन टूटेंगे तब बुलाएंगे। लेकिन ये मरे हुए लोग ये क्या तोड़ेंगे। अब वो आचार्य प्रशांत जी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर, उनको ट्रॉल कर दिया, यार वो आदमी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इस देश के युवाओं को दिशा दे रहा है। और हर आदमी भाई, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तो जब तुम गृहस्थ आश्रम से गुजरोगे तो लड़की के पीछे रहोगे, लड़की लड़के के पीछे रहेगी, तो इन सब चीजों से तो सभी गुजरेगा, तभी तो तुम वनप्रस्थ आश्रम में जाओगे, उसके बाद ही तो तुम सन्यासी बनोगे। तो हर सन्यासी का एक पास्ट होगा ना अय्याशी का, हर आदमी शंकराचार्य थोड़ी है, कुछ बुद्ध भी तो हैं। बुद्ध का पास्ट देखो सिद्धार्थ के रूप में, तुम बुद्ध का पास्ट देखो सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धार्थ क्या है, अय्याशी ही तो है, लेकिन बुद्ध को समझ में आ गया, सिद्धार्थ को समझ में आ गया दिख के कि ये चीजें अल्टीमेट नहीं है, कुछ और चीजें हैं। तो बुद्ध ने अपने, सिद्धार्थ ने अपने रास्ते को चेंज किया, तब जाके वो सिद्धार्थ बुद्ध बने। तो बुद्ध का एक पास्ट है, उस पास्ट का नाम है सिद्धार्थ। उनके पिताजी ने सोचा था कि हम इनको कभी सन्यासी नहीं बनने देंगे, तो दुनिया की सारी भोग विलास की वस्तुएं अवेलेबल करा दी, यही गलती कर गए। वो आदमी उससे ऊब गया, और जब वो उससे ऊब गया तो उसने एक नई डायरेक्शन की तलाश की, बुद्ध बन गए। तो हर सन्यासी, हर आपका भी ऐसा ही पास्ट होगा। कल आप भी जब चीजों को समझोगे, जब देखोगे कि यार रोल्स रॉयस में बैठने का मजा नहीं है, मजा है मन की शांति का। हमसे लोग कहते हैं गमछा पहन के काहे टहलते हो,
तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है भाई? अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में जाते हैं, सरकार, आप आईएएस हैं, आप कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं, आप ठीक है टाई पहन के जाइए, वो प्रोटोकॉल है, आपको जाना ही पड़ेगा। पर ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है ना, कहीं बात करने जा रहे हैं, इंटरेक्शन करने जा रहे हैं तो पहन सकते हो, उसमें बुराई क्या है? आपने ये मान लिया कि अगर आप 50,000 की घड़ी नहीं पहन रहे तो आप अमीर आदमी नहीं है। हम तो पहने, कोई दिया है, हम तो ना खरीदे। हमारे साथ एक वकील साहब आए, मांशु भाटी जी, हमें कल ले गए गीतांजलि खान मार्केट में। अच्छा, हाँ। तो बोले स्पा उस्पा करा लीजिए। स्पा करा लीजिए? हाँ, बोले स्पा करा लीजिए, थोड़ा ब्लीच व्लीच करा। कहा है? अरे बोले कल ललन टॉप पे प्रोग्राम है। अरे तो मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, नहा के चलेंगे यार। है नहीं नहीं, स्पा ले गए, स्पा कराए, 6,200 रुपए का बिल आया। हमने कहा हम ना देंगे। वो 3-4 क्रीम लगाया बाल वाल में, धुला वुला का शाइनिंग। अरे मैंने कहा शाइनिंग मारेंगे बस, शाइनिंग इतना। हाँ, अब जैसे इन लोगों का जो काम है, इन लोगों का काम ऐसा है कि इन्हें उन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जरूरतें होती हैं। अरे नहीं, मुंह धो के आया हूँ मैं। अच्छा, मुंह धो के लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जो लोग शूट वूट पे जाते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, एंकर्स होते हैं, तो वो करते हैं इन सब चीजों को। मैं सुबह हिमालय वाले फेस वॉश से मुंह धोया है मैंने। ऐड कर रहे हैं ये हिमालय का। और उसके बाद एक तो वो क्रीम आती है जो बोरो वोरो करके होती है, उस पर थोड़ा सा पानी, हाँ, वो पानी यानी मिला के कोई भारी होती है वो लगा लिया कि चेहरा न फटे, और नारियल का तेल। अब हम लोग भी लगाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा, सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। हाँ, आप एक जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं तो आपको थोड़ा सा समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा तुम्हें अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। थोड़ा सा सिंपल रहोगे तो बहुत अच्छा रहोगे, बहुत अच्छा चलेगा। और अवध सर, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर दिया आपको, अवध सर आप भी मतलब आपके बारे में लोग बताते हैं कई कई जगहों पे बिस्तर नहीं मिला, होटल नहीं मिला, न्यूज़पेपर बिछा के सो गए आप। आपने मतलब बहुत संघर्ष का जीवन जिया है, बारटेंडर की नौकरी की दिल्ली में बहुत दिनों तक भटके, पैसे की कमी बहुत दिनों तक रही आपको, मतलब उस फेज से गुजरे हैं आप जिसमें जिसके बाद अब आ पाए हैं। मतलब नहीं, मुझे ये पता चल गया था, मेरे पिताजी, मैंने कहा कि वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करना, उनसे बात करना। मेरे पिताजी ने कहा था कि 14 साल राम जंगल में रहे, भगवान बन गए, और तुम भी रह रहे हो। ये संघर्ष क्या है, कितनी बड़ी बात रश्मि रथ ने लिखी है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता, तुम भी तो चाहते हो ना इस धरती पे शासन करना। भूखंड विजेता अलेक्जेंडर, सम्राट अशोक, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, बुद्ध। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये चैलेंज ही तो तुम्हें मजबूत करता है। अगर आईएएस के एग्जामिनेशन में चैलेंज ना हो तो इस एग्जामिनेशन का देने का मजा ही खत्म हो जाएगा। ये विघ्न जो है ना, चैलेंजेस, ये तुम्हारे लिए टॉनिक है, इनको नेगेटिवली मत लेना। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। पहली बार जब तुम इकोनॉमी पढ़े, नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़े, अब तुमको जीडीपी समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, अरे एक के बता दिए होते यार, इसका क्या बांटे जा रहे हो। हम पहली बार इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया, हमें लगा अरे भगवान इतना पी। जीडीपी, जीएनपी, मैं खड़े होकर पढ़ता था, मैंने एक डाइस ऐसे ले रखा था और मैं ज्यादातर खड़े होकर पढ़ता था, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। और मुझे पता था कि डाइजेस्ट करना है मन में, तो खड़े होकर पढ़ता था, प्लस मैं कोशिश करता था कि मैं डिस्कस करूं। तुम जो भी पढ़ते हो, अगर तुम उसको किसी से डिस्कस कर लो, जैसे यहां पेट में सेव होता है,
ऐसे यहां मन में भी सेव होता है, और सेव करने का, मन में सेव करने का दो सबसे प्यारे रास्ते, एक लिखना जो आप में से बहुत लोग करना ही नहीं चाहते, और एक डिस्कस करना। जो भी टॉपिक तैयार करो किसी को पकड़ लो, ना हो पैसा दे के पकड़ लो कि ये 50 रुपया रख लो, बैठो बैठो, तुमको बताएं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो जब तुम किसी को समझाते हो तो समझोगे तभी तो समझाओगे। आईएएस बनने के लिए कोचिंग से ज्यादा ग्रुप की जरूरत होती है। लेकिन आज तुम लोग ऐसा सोचते हो कि यार इसको बता देंगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा। नोट्स छिपा दिए गेहूं के बोरे में। तो स्ट्रगल बहुत रहा, लेकिन मुझे एक बात एहसास हो गया था, ये बंगला साहिब गुरुद्वारा, इसलिए आज तक मैंने दो लोगों के विरोध में कभी नहीं बोला, एक सिखों को कुछ नहीं बोला, एक क्रिश्चियनों को कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसी बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाना खाते थे। हाँ, पैसा होता नहीं था, लेकिन एक बात और थी, तब भी मर्सिडीज खरीदते थे। तब भी अगर कोई मुझसे कहता था कि और क्या कर रहे हो दिल्ली में, मैंने कहा यार सोच रहा है कि जो है रेडिसन खरीद ले। तभी तो इन्होंने पिछली बार मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं कि आप बहुत बगैती करते हैं, तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बगैती, खुद को साहस देना पड़ता है ना, खुद को। बाहर से कब तक इंपोर्ट करोगे खुद को? ये मन विचार फेंकता है कि खाने को नहीं है, हाँ तो लूटेंगे। जब ये विचार देता है विचार, तो जिस वक्त ये तुम्हें विचार दे रहा है उसी वक्त पकड़ लो इसको। तो जब ये नेगेटिव दे रहा है उसको कन्वर्ट कर दो। यही है साधना, यही है ध्यान। तो जब तुम इसको निरंतर करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो फिर ये जब सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है तो पॉजिटिव सोचने की आदत क्यों नहीं पड़ सकती? आदत ही तो है। इसीलिए लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चिढ़ता तो मुझसे कोई नहीं। लोग मुझसे कहते हैं लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं, नहीं नहीं मुझसे कोई नहीं चिढ़ता। लोग सोचते हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। मैंने समय देखा, स्ट्रगल देखा, धूप देखा, जाड़ा देखा, गर्मी देखा, तो उन चीज़ों ने बड़ा मैच्योर किया मुझे। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके फादर अच्छा पैसा दे सकते हैं, आपको दिल्ली में 50,000 रुपये दे सकते हैं पर महीने का, आप मत लीजिए, आप उनसे उतना ही लीजिए जितना आपको खर्चा है। अगर 20,000 में आपका खर्चा होता है आप मत लीजिए, क्योंकि अगर 4 तारीख को आपका सारा पैसा खत्म हो गया, आपने खाने वाले को दे दिया, आपने रूम रेंट दे दिया, आपने चाय वाले को दे दिया, पान वाले को दे दिया, सब पैसा खत्म, तो अगले 25 दिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो और क्या करोगे पढ़ने के सिवा? सारा खुराफात कहां पैदा होता? जब जेब में पैसा हो। भाई पापा ने 50,000 भेज दिया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, शिमला निकल गए, तो ठीक है तुम्हारे पापा अगर तुम्हें 50,000 दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उतना ही यूज करें जितना आपको जरूरत है, और आप भी स्ट्रगल करें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कृष्ण, भगवान राम सब ने किया है, आप भी भगवान बनने की दौड़ में, इसलिए आप अपवाद नहीं होंगे, आप भी करेंगे। अवध जी, मेरा एक सवाल, उसके बाद हम लोग दर्शकों से थोड़ी बातचीत करेंगे, उनके सवाल लेंगे। सवाल क्या, ये सबको ही लगता है कि इस पे पूछा जाना चाहिए, और हमने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम वाले भी एपिसोड में पूछा था आपसे, ये आप पर बार बार आरोप लगाने वाले ये भी कहते हैं कि अवध जी को नेहरू ज़्यादा पसंद आते हैं, अवध जी लादेन के बारे में, लादेन को ग्लोरीफाई करते हैं, अवध जी मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में कुछ नहीं कहते हैं जो देश में आए, मुग़ल शासकों के बारे में, और ये आरोप लगाने वाले ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म की जो दिक्कतें हैं, जो उस पूरी व्यवस्था की जो दिक्कतें हैं उसको बार बार हाईलाइट करते रहते हैं, बाकी धर्मों पे कुछ नहीं बोलते। इन आरोपों पे हम लोग बातचीत की है, इस पर बहुत विस्तार से की है, फिर भी पब्लिक सामने, तो हम चाहते हैं इस पर एक बार आप बता दें। नहीं, सरकार ने औरंगजेब का रोड का नाम बदल दिया, अकबर रोड का क्यों नहीं बदला? उसका भी बदल दे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बदला? नहीं बदल सकते। 1556 क्या ही साल है, 1398 तैमूर एंटर्स इन इंडिया,
एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने 1398 से 1556, कितने साल, 158 ईयर्स हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, वीराना, खाली। और उस खाली के पृष्ठभूमि में अकबर गद्दी पे बैठता है और 1556 से 1605 वो एक साम्राज्य खड़ा करता है। उसकी रेवेन्यू पॉलिसी आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है, आईने दसाला, आज भी उसकी मनसबदारी सिस्टम ही तो सिविल सर्विसेज है। अकबर से पहले तुम देखोगे रीजनल रिवोल्ट होते हैं, इल्तुतमिश के टाइम बंगाल में रिवोल्ट हुआ, किसने किया, एवाज खान ने किया, बलबन के टाइम किसने किया, तुगरिल ने किया। अकबर के बाद तुम रीजनल रिवोल्ट नहीं देखोगे, क्यों, मनसबदारी, उसकी राजपूत पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी डेक्कन पॉलिसी। तो हाँ ठीक है, जो आदमी अच्छा है उसकी तो आप तारीफ करेंगे। लादेन का जहां तक मुद्दा रहा, वो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया कि मैंने उसकी तारीफ क्यों की थी। अगर मैं डेंगू से परेशान हूं और मुझे प्लेटलेट चाहिए और लादेन ही मुझे दे रहा, जिस टेररिज्म को हम अंतर्राष्ट्रीयकृत नहीं कर पाए उसने उसको एक झटके में कर दिया। जब उसने ट्विन टावर पे हमला किया तब अमेरिका ने कहा इंटरनेशनल टेररिज्म। उससे पहले जब हम उससे कह रहे थे टेररिज्म तो कह रहा था नो नो इट्स अ वॉइस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जिस आतंकवाद को हम रैम्बो मूवी में तालिब लड़ाकों के लिए आखिर एक प्लेट भी चलती है तालिबान को लेके, तो वही मतलब मैंने कहा कि अभी क्या है, हम चाहते हैं फिर अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती हो जाए, हम हमेशा चाहते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज अ बफर स्टेट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, आज भी तो हमारा अप्रोच है। अब तालिबान गवर्नमेंट शांत हो गई तो तालिबान अफगानिस्तान लगाने आए कि नहीं आए, आए। राजा किसी से दुश्मनी नहीं करता, वो सिर्फ लड़ता है जब उसका इंटरेस्ट फंस जाता है। आम आदमी सबसे दुश्मनी करता है, इनसे पेन मांगे ना नाई दीन। तो मेरा चूंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने का है तो मैं उसी अप्रोच पे बात भी करता हूं, और चूंकि बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी नहीं करते इसलिए जब ये मेरे मित्र मुझे ट्रॉल करते हैं मेरे वीडियो को उल्टे सीधे थंबनेल लगा के, तो वो जो बेचारे लोग आईएएस की तैयारी नहीं करते दुबई का पैसा आ रहा है इसके पास। अब मेरे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, वो बेचारे कुछ ना कुछ मुझे भेजते रहते, मैंने कहा मत भेजना दुबई में रहते हैं वो, जी बताएं। अच्छा ऑडियंस से सवाल किस किसके पास सवाल पूछ, अरे आसान आसान सवाल करना। अच्छा किसको, अच्छा एक सेकंड, ये तो ऑडियंस के सवाल हो गए, किसको 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 अच्छा लगेगा कि अगर अवध ओझा क्विज खिलाएं आपको? दो चार सवाल अभी मैं चाहता हूं कि ऑडियंस के सवाल हो जाएं, उसके बाद दो चार सवालों का क्विज आप अपनी तरफ से, जिसके हम तो वो पढ़ के बोलने वाले लोग हैं ना, आप तो सब छाप के बैठे हुए हो। नहीं नहीं भगवान का आशीर्वाद है, बाकी तो चलिए पूछिए। सर मेरा नाम अभिनव है और मैं लल्लन टॉप का ही साथी हूँ, और आप में मुझ में एक चीज़ कॉमन है, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे इलाहाबाद से। तो आप जो किस्से सुनाते हैं अपने बचपन के, मैं ऑडियंस से सवाल लूँगा क्योंकि मैं भी ऑडियंस का हिस्सा हूँ, तो एक सवाल मेरा भी है। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए, ताराचंद में रहे हॉस्टल जो है, फिर वो आपको उस बकैती को धार मिली या फिर विद्या की धार मिली इलाहाबाद से, इलाहाबाद ने आपको क्या दिया? बकैती को धार मिली, मिली जब मैंने डेकार्ट्स को पढ़ा, डेकार्ट्स क्या क्या फिलोसोफर है डेकार्ट्स, कॉग्निशो एर्गो सम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, यानी तुम्हारा अस्तित्व तो सोचने पे है, और जब सोचना ही है तो नौकरानी को लेके सपने में क्यों भागे। धार मिली, डेकार्ट्स पढ़ा, लाइबनीज पढ़ा, शंकर पढ़ा, वो धार मिली, धार। तो जो जंग लगी तलवार पड़ी थी कोंडा में वो चमकना शुरू हुई इलाहाबाद से। और किसी के सवाल हैं? अच्छा बताइए। ज्योति ज्योति ज्योति, इनको इनको, यो लड़कियां हैं सब पहले इनको दीजिए।
सामने सामने उनको दीजिए जी। नमस्ते सर, मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में पढ़ती हूँ सर। मेन अभी अपना नाम बता दीजिए पहले आप। सर मेरा नाम अर्पिता है। तो मेरा डाउट ये है कि जैसे अभी हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो लाइक एक कैरियर को फोकस करके ज़्यादा सिर्फ स्टडीज पे ध्यान दें या फिर उसके अलावा लाइक बहुत सारी सोसाइटीज भी होती हैं हमारे कॉलेज में और मैं ज़्यादातर हिस्सा भी हूँ सारी सोसाइटीज़ का। तो मोस्टली मेरा काम मतलब टाइम जैसे कि डिबेटिंग सोसाइटी हो गई या फिर नेशनल सर्विस स्कीम सोसाइटी, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा जाता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लाइक पढ़ाई पे उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं हो पा रही हूँ। तो लाइक बैलेंस करके चलना या फिर ये सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट? जैसे आपने कहा आपका भी ये बहुत सही समय है कि आप कैसे मतलब अपने फ्यूचर को आगे ले जा सकते हो। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? Humanities. नहीं, 10+2 साइंस। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है? What's up? भाई ऐसे नहीं, ऐसे। अरे ये कोई ट्रोलिंग का सेशन नहीं है, ये संवाद है। ये शोर मचा रहा है, इनको भी नहीं पता कंपाउंड क्या है। कंपाउंड की डेफिनेशन दो। सो लाइक उसमें इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तुम्हारे पापा तो नहीं आगे? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। नो सर, लटका दियो तो तुमको यहीं रस्सी वस्सी बांध के। मिक्सचर इज डिफरेंट, कंपाउंड इज डिफरेंट। तुम कंपाउंड बनने की कोशिश करो, फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे H2O है ना वाटर, तो वाटर का अस्तित्व कब तक है? जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है। तुम कंपाउंड बनो, अपने प्रोपोर्शन को फिक्स रखो। यही तो सीखना था पढ़ाई से। बैठो। हेलो सर, मिक्सचर मत करो। मेरा नाम राजीव राघव है। भाई भाई राजू गांधी राघव राघव। अच्छा सर, मैं बिहार से हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ। सर आप और मुझ में एक समानता है कि आप भी फेल हुए हैं और हम भी 12th फेल हुए हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कुछ गुण हमें भी बता दीजिए, क्योंकि हम भी 12th फेल है और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। अरे अभी मैंने कहा चंबल की डकैती और अवधोजा की डकैती, तुम अपने आप को क्यों? आप सभी लोग जो भी माइक हैंडल कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत लोगों को कि वो अपना जीवन, जैसे मैं यहाँ आ रहा था मुझे कम से रखना था, रखा मैंने। तुम अपने जीवन की बहुत सारी डोर दूसरों को क्यों देते हो? जैसे तुमने बाल शेव करा रखा, कैप उल्टी लगा रखी है, अब कोई कह रहा है घटिया लग रहा है, तुमने तुरंत उतार दी कैप। 90% लोग इसलिए डिमोरलाइज हैं क्योंकि वो दूसरे के हिसाब से खुद को ढालते हैं, अपने हिसाब से। आम ब्रह्मास्मि। हमने इधर से 3 सवाल लिए, अब सवाल इधर से। नमस्ते सर, मेरा नाम मानस है। नमस्कार, आता हूं आपके पास। सर आपसे पूछना था कि ये मार्क्स की मृग तृष्णा से लोग कैसे निकलेंगे, क्योंकि एक देश का आपने एग्जांपल दिया था एक बार जहां लोग एग्जाम नहीं लेते, मेरे ख्याल शायद इजराइल था वो देश। हाँ। सर ये मृग तृष्णा में जो हम लोग फंसे रहते हैं कि 90-95 कैसे? सर नहीं देखो, तुम किसी को मत निकालो, तुम खुद निकल जाओ, तुम आदर्श बन जाओगे ना दुनिया के। जैसे आज की डेट में मेरे बड़े सारे दोस्त अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं जिनके पापा उनको मारते थे कि अब दोजा के साथ देख लियो तो चमड़ी उधार देंगे तुम्हारी। आज वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, यार अब यार पढ़ा दो यार। हमने कहा हम लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज सोनल। हेलो सर, हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का निवासी हूँ। अरे वाह क्या बात। सर मेरा प्रश्न ये है कि भावनाओं का नियंत्रण और भावनाओं का दमन, हम किसको इसमें अधिक प्राथमिकता दें और कैसे करें? ना तो दमन ना नियंत्रण, भावनाओं का रियलिस्टिक उपयोग। जैसे तुम देखो, तुम एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देखो, मिर्जापुर सीरीज देखी? देखा ना, अखंड आनंद को देखो, क्या भावनाओं का अपने बेटे के लिए जितना प्यार है, ललित को समझ रहा है कि बेवकूफ आदमी है, उसके सामने हत्या हो रही है, क्या मैनेजमेंट है इमोशन का। कहता ना सीएम से कि अपने बेटे की कोई बलि चढ़ाता है। जिस दिन तुम इमोशन को उस लेवल पे मैनेज करोगे ना, तुम्हें पता होगा कि देना किसको। तुम देखो ये दिल्ली में ये ज्यादातर जो लोग भीख मांगते, कोई बच्चा लिए हुए है, कोई प्रेग्नेंट है सड़क पे आ गया है, इसलिए जब तुम अर्बन शहरों में बहुत दिन रह लेते हो तो तुम्हारी काफी भावना मर जाती है। तो मारने नहीं देना है, उस होश में रहना है। कोई आके तुम्हारी तारीफ कर रहा है, समझ लो तुमसे काम लेने वाला है। माँ बाप कहाँ करते हैं तारीफ? 80 किलो वेट हो गया मेरा, तब भी मेरी माँ कह रही थी बहुत दुबले हो गए। अरे मैंने कहा यार, भावना का मैनेजमेंट करना है।